Good morning, student. In today's lecture, we will discuss the question based on electric dipole moment, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. हमने उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, डायपोल मूवमेंट समझा था क्या होता है. तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि डायपोल मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मान लीजिए कि दो चार्जेस हैं सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2L. तो इनका जो डायपोल मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है क्यू इंटू 2L. 2L इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्जेस. तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो टॉपिक, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि आज का जो टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डायपोल से रिलेटेड. तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस. एक चार्ज ये है विच इज पॉजिटिव 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, अनदर चार्ज इज नेगेटिव माइनस. सेम चार्ज है बस नेगेटिव है. तो माइंड में क्लियर कर जाएगा कि इट्स अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डायपोल, बिकॉज डायपोल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्विवेलेंट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस लोकेटेड एट पॉइंट. दीज आर द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. एक नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे लोकेटेड है, नेगेटिव चार्ज इज लोकेटेड एट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट. व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, या टोटल चार्ज क्या होगा? ऑब्वियसली जीरो होगा. एंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का डायपोल मूवमेंट क्या होगा? तो इसका डायग्राम बना लेते, सॉल्यूशन देख लेते. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 0.0 -15 cm, -15 cm. -15 cm. और यहां पे जो चार्ज है वो QA है, विच इज अ पॉजिटिव चार्ज, विच इज अ पॉजिटिव चार्ज, QA चार्ज है. इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0.0 + 15 cubic. तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डिस्टेंस, ये जीरो, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, टू चार्जेस जो होगा वो होगा 15 cm + 15 cm एंड इट विल बी 30 cm. देखिए 0 से 15 ये वाला हो गया और ये वाला 15 cm + 15 cm इज इक्वल टू 30 cm. बट ये जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है. तो अगर ये, क्योंकि हम इसको 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो हमारा 2L है वो बेसिकली कितना आ जाएगा, 30 × 10⁻²⁪ m. डायपोल मूवमेंट जो होगा इसका वो हो जाएगा Q, आइदर ऑफ द चार्ज इंटू 2L. आइदर ऑफ द चार्ज हमारे पास कितना हो गया, 2.5 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई 30 × 10⁻². 2.5 × 30 × 10⁻⁹ इट विल बी 75 × 10⁻⁹. एंड व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज कूलम मीटर. ओके, नाउ बात अगर होती है कि डायरेक्शन क्या होगा डायपोल मूवमेंट का, तो डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव कोऑर्डिनेट या चार्ज, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो जो बी है वो नेगेटिव है और जो ए है वो पॉजिटिव है. तो जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, बी वेक्टर. यानी कि द डायपोल मूवमेंट इज डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस. तो अगर मैं आंसर लिखूं इसका वेक्टर फॉर्म में, तो पी वेक्टर ये 7.5 × 10⁻⁸ -k⁻ एंड दैट इज द आंसर कि नेट डायपोल डायपोल मूवमेंट क्या होगा. अच्छा, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा, QA प्लस QB जो कि जीरो हो जाएगा. ओके, अंडरस्टैंड. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी बात पर डिपेंड है कि जो डायपोल मूवमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है.
तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके डायग्राम बनाते हैं। थ्री चार्जेस, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो थ्री चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस टू क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ये डायग्राम बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसीडर करिए। ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है। लेट्स, क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कौन सा चार्ज किस वर्टेक्स पर, तो हम ए पर माइनस क्यू क्यू मान सकते हैं, बी पर हम प्लस क्यू का चार्ज है और सी पर भी प्लस क्यू का चार्ज है। डायमेंशन ए के बराबर है। तो आपको इस सिस्टम का नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। तो इस सिस्टम को आप रिड्यूस कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये जो सिस्टम है इट इज इक्विवेलेंट टू टू डायपोल्स। हाउ इट इज इक्विवेलेंट टू टू डायपोल, देखिए ये जो माइनस टू क्यू है आप इसको दो चार्ज कंसीडर कर सकते हैं, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू, यहाँ पे दो चार्जेस रखे हुए हैं, एक प्लस चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक प्लस चार्ज यहाँ पे प्लेस है। तो एक डायपोल तो ये हो गया, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव एंड लेट्स से इट इज पी वन वेक्टर, इट इज पी वन वेक्टर। ओके, एक डायपोल ये हो गया, अगेन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ P2। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू डायपोल, इट इज 60 डिग्री बिकॉज इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो एंगल 60 डिग्री हो गया। तो P1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूं तो इट इज Q इंटू 2L, ये फार्मूला है। अब आप 2L जो है आप बोलते क्या करेंगे इसको 2A कर दूंगी, बट ये 2A नहीं होगा। ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो 2L है, ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन दी टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी गलती ना करें कि ये जो डिस्टेंस ए दे रखा है आप इसको टू ए कर दें। इट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस, ये सिर्फ एक नोटेशन है कि हम इसको टू एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू इन टू ए, क्योंकि टू एल जो है वो ए के बराबर है ये डिस्टेंस। सिमिलरली अगर हम P2 के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट इज QA, क्योंकि ये डिस्टेंस भी A है। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो इस साइड होगा P वेक्टर। तो P का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा वेक्टर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम यूज कर रहे हैं, P इज P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर ट्वाइस ऑफ P1 P2, ओके, इनटू कॉस थीटा, थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। P इज इक्वल टू ये हो जाएगा क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू ए का स्क्वायर, और cos 60 डिग्री होता है 1 बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट थ्री टाइम्स ऑफ क्यू ए, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट। और डायरेक्शन क्या होगा, ये जो रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट है ये P1 से कितना एंगल बनाएगा 30 डिग्री और P2 से भी कितना बनाएगा 30 डिग्री, मीन्स इट विल बाइसेक्ट दी एंगल बिटवीन दी डायपोल मूवमेंट P1 एंड P2। ओके,